हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की है। यहां पर देख सकते हैं हमारे पास एक डेटा है। अब ये बिल्कुल भी सही फॉर्मेट में नहीं दिया गया है, ठीक है। और ये इसका फॉर्मेट सही करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो इसे आप इस तरीके से सेलेक्ट करेंगे और पहले तो इसको एक एक करके यहां से इसको बड़ा कीजिए। फिर ये देखिए ये हैश हैश करके आ रहा है, तो इसको भी यहां से बड़ा करेंगे, ठीक है। फिर थोड़ा सा इसको भी बड़ा करेंगे, फिर यहां से इसको जाएंगे। इस तरीके से काफी ज्यादा समय लग जाता है आपको ऑटो फॉर्मेट करने में, ठीक है। समय ना लगे तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, इसके लिए एक शॉर्टकट की इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या है शॉर्टकट की, आइए समझाता हूं। सबसे पहले तो इस डेटा को सिलेक्ट करने के लिए कहीं पर भी क्लिक करके कंट्रोल ए कर लीजिए। और अब आपको क्या प्रेस करना है, आपको प्रेस करना है सबसे पहले अल्ट, ठीक है। अल्ट प्रेस कीजिए, फिर ओ प्रेस कीजिए और फिर लास्ट में ए प्रेस कीजिए। और जैसे ही प्रेस करते हैं तो ये एक विंडो ओपन हो जाती है। अब यहां से आप किसी भी फॉर्मेट जो भी आपको ठीक लगता हो, देखिए बहुत सारे फॉर्मेट यहाँ पे दिए गए हैं, जो भी फॉर्मेट आपको ठीक लगता हो वो फॉर्मेट चूज करके और यहाँ से ओके कर दीजिएगा। जैसे ही ओके करते हैं तो देखिए ये फुल्ली ऑटो फॉर्मेटेड हो गया, देख सकते हैं यहाँ पे इसमें आपको पूरा ऑटो फॉर्मेशन नजर आ रहा है। कि यानी कलर ऊपर टाइटल का जो कलर है वो ऑटोमेटिक चेंज हो गया, सारी चीजें ऑटोमेटिक हो गई, ठीक है। मैं आपको फिर बताता हूँ क्या करना है। इसको कंट्रोल ए करिएगा कहीं भी इस डेटा में क्लिक करके, कंट्रोल ए करके और फिर क्या करना है, अल्ट ओ और ए प्रेस करना है। और जैसे ही प्रेस करेंगे ये विंडो ओपन होगी। अब मान लीजिए ये वाला करना है तो ये वाला करके और यहाँ से आप ओके कर सकते हैं, तो ये फॉर्मेट हो गया, ठीक है। अगर फिर चेंज करना चाहते हैं तो फिर वही शॉर्टकट की अल्ट ओ ए कर लीजिए और यहाँ से जो भी फॉर्मेट चाहिए वो फॉर्मेट लेकर के ओके कर दीजिए, तो ये फॉर्मेट आ गया। तो कुछ इस तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी।